1970s 80s को रूल करने वाला अंडरवर्ल्ड की दुनिया का कुख्यात डॉन मन्या सुर्वे यानी मनोहर अर्जुन सुर्वे। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर छाप छोड़ने वाला ये एक डॉन था। उस समय मन्या अपनी शैतानी हिम्मत और रणनीतिक योजनाओं के लिए जाना जाता था। मन्या सुर्वे का जन्म 1944 में भारत में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी के कोकण क्षेत्र के पावस जिले में रैमपर गांव में हुआ था। 1952 में सुर्वे अपनी माँ और बड़े पिताजी के साथ मुंबई रहने आ गए थे। मुंबई आने के बाद कई सालों तक वह लोअर परेल की चौल में रहने लगे। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट है और जब उसने कॉलेज में ही छात्रों के साथ एक गैंग तैयार किया था तभी उसे परीक्षा में 78% मिले थे। उस समय मन्ना सुर्वे की गैंग में मुख्य रूप से सुमेश देसाई और भार्गव दादा शामिल थे। भार्गव मुंबई में दादर के अगर बाजार का हत्यारा था। 1969 में मन्ना दांडेकर नाम के इंसान की हत्या में वो शामिल था जिसमें उसका साथी उसी का चचेरा भाई मन्ना पोद्दार था। अब सबका नाम इधर मन्ना ही मन्ना है। इनकी तिकड़ी को पुलिस इंस्पेक्टर ने यानी ईएस दाभोलकर ने जल्दी गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध पठान डॉन को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था इस मन्या सुर्वे ने, जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था। लेकिन पठान ने अपनी विरोधी गैंग केसर ग्रुप को पराजित करने के लिए मन्या सुर्वे की ही सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई यानी सबीर कर रहा था। मन्या की सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था। उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उसे सहायता लेने के लिए आती थी और ऐसा करते हुए वह दूसरों को ख़त्म कर देता था। यह मुंबई के उन अंडरवर्ल्ड का पढ़ा लिखा हिंदू गैंगस्टर था जिसका दादर के आगरा बाजार में सम्मान भी किया जाता था। मुंबई आने के बाद सुर्वे ने गैंग बनाना शुरू कर दिया। अपने दो भरोसेदार साथी धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ सशक्त गैंग का निर्माण किया उसने। मार्च 1980 में यानी 1980 में उनकी गैंग में और एक गैंगस्टर आ गया, उसका नाम था उदय। इस गैंग ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की थी जिसमें उन्होंने एम्बेसडर कार चोरी की थी। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग करी रोड के लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये लूटने के लिए किए गए थे। अभी दोस्तों 5,700 रुपये वो भी 1980 के यानी आज के 5 लाख से 10 लाख। मन्या सुर्वे की आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। इसके बाद वह नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल हो गया क्योंकि मन्या को यकीन था कि इस धंधे में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। उसी समय मुंबई पुलिस ने अभी क्रिमिनल गतिविधियां करने वाले लोगों का तमाशा देखना पूरी तरह से वैसे बंद कर दिया था और अब तक वे उनका एनकाउंटर करने भी लगे थे। उस समय पुलिस फोर्स ने इकट्ठा होकर अंडरवर्ल्ड को एक संदेश भी भेज दिया कि अब वे उनकी गतिविधियों को और ज़्यादा सहन करने वाले नहीं हैं और इसी के चलते मन्या सुर्वे के ऑपरेशन को शुरू किया गया। इंस्पेक्टर इसाक बागबान और राजा तांबट इन दोनों ने सुर्वे का केस अपने हाथ में लिया था और उन्होंने मन्या सुर्वे के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की थी और उन्होंने मन्या सुर्वे की गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। 22 जून 1981 यानी 1981 को पुलिस ने कल्याण के पास एक केमिकल कंपनी से शेख मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने गोरेगांव से एक लॉज से दयानंद और परशुराम काटकर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अपनी गिरफ्त से घबरा कर मन्या 19 नवंबर 1981 को भिवंडी चला गया। एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन के चलते सूर्य को आसानी से मार दिया गया। अपने साथी उदय की गिरफ्तारी के बाद मन्या सुर्वे की गैंग में वह अकेला ही बच गया था एक्चुअली, जो जेल में नहीं गया था। उन्हें पुणे के एरोडा जेल में रखा गया था जहां सुर्वे ने वहां दूसरे गैंगस्टर सुहास भटकर उर्फ पोत्या भाई के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली थी। इसके बाद सुर्वे की आतंकी रणनीति से परेशान होकर जेल अधिकारियों ने उन्हें रत्नागिरी जेल से स्थानांतरित करके दूसरे जेल में रख दिया। सुर्वे ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और
14 नवंबर 1979 को भागने में सफल हुआ और 9 सालों तक जेल में रहने के बाद आखिर भागकर मुंबई वापस आ गया। चलिए जानते हैं अभी मन्ना सुरवा का एनकाउंटर कैसे हुआ। 11 जनवरी 1982 को मन्ना वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन से एक टैक्सी से बाहर आ रहा था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही मुंबई पुलिस को मन्ना सुरवा को मारने की टिप दे रखी थी। कहा जाता है कि दाऊद ने ही मन्ना सुरवा के लोकेशंस की जानकारी पुलिस को दी थी। 1:30 बजे 18 क्राइम ब्रांच ऑफिसर अपनी 3 टीम के साथ वहां मन्ना के इंतजार में थे। तकरीबन 20 मिनट बाद जब सुरवे टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए अपनी टैक्सी से उतरा तभी पुलिस ने उसे देख लिया। मन्ना ने जब पुलिस स्क्वाड को अपने पास पाया तो सुरवे ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली, लेकिन सुरवे के ट्रिगर दबाने के पहले ही पुलिस अधिकारी राजा तंबट और इसक बागवान ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। उन्होंने सुरवे के छाती पे और कंधे पर 5 गोलियां दाग दी थी। इसके बाद सुरवे को तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया गया। कहा जाता है कि सियोन अस्पताल जाते समय मन्ना सुरवा बड़बड़ा रहा था कि पुलिस ने उन्हें खुद को साबित करने का एक भी मौका नहीं दिया। बाद में कुछ समय बाद उन्होंने अपने चोटों के सामने घुटने टेक दिए। एक आश्चर्यकारक बात यह भी कही जाती है कि 15 मिनट के रास्ते को पूरा करने के लिए उस समय पुलिस की कार को 30 मिनट का समय लगा था। इसी एनकाउंटर के साथ मन्ना सुरवा की दहशत मुंबई के अंडरवर्ल्ड से गायब हो गई। अपने 2 वर्षों के अंतराल में मन्ना सुरवा ने दाऊद इब्राहिम को काफ़ी भयभीत करके रखा था, जो आज तक एक्चुअली कोई नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को मन्ना सुरवा को मारने की टिप दी थी। 1982 में यानी 1982 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मन्ना सुरवा की मौत हो गई। मन्ना सुरवा के जीवन पर आधारित 2013 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें जॉन अब्राहम ने मन्ना सुरवा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में मन्ना सुरवा के जीवन को 100% सही तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसी फिल्म में उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। शूटआउट एट वडाला की फिल्म में हालांकि मुख्य रूप से मन्ना सुरवा पे केंद्रित है, इसके वजह से सोनू सूद और मनोज वाजपेयी के जो किरदार है यानी अधिकृत रूप से नाम लिए बिना जो दिखाए गए दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर, तो हालांकि वैसा नहीं है। मन्ना सुरवा ने शब्बीर कास्कर को नहीं मारा था। हालांकि ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम मन्ना सुरवा से काफ़ी भयभीत था। कुछ लोग तो इतना भी कहते हैं कि अगर मन्ना सुरवा का एनकाउंटर नहीं होता तो शायद वो दाऊद इब्राहिम को मार देता, और दाऊद इब्राहिम को इसी बात की चिंता थी, इसके लिए उसने मुंबई पुलिस को टिप दी थी मन्ना सुरवा का एनकाउंटर करने के लिए। दोस्तों देखा जाए तो डॉन डॉन होता है, फिर वो हिंदू डॉन हो या मुस्लिम डॉन हो, वो लोगों का कभी भला नहीं करते हैं ना कभी सिस्टम का भला करते हैं। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आई होप यू लाइक दिस बायोग्राफी ऑफ मन्ना सुरवा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर इट एज यू कैन ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।